ओके okay. नाउ uh, हम लोग uh, कुछ बेसिक टर्म्स को कंपेयर करेंगे जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सलरेशन इन टर्म्स को हम लोग कंपेयर करेंगे लीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन में व्हाट इज लीनियर मोशन लीनियर मोशन को बोला जाता है ट्रांसलेटरी मोशन अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है तो मोशन ऑफ अ बॉडी ंग स्ट्रेट पाथ वी कॉल्ड एस लीनियर मोशन ट्रांसलेटरी मोशन एंड अगर बॉडी सरक ट्रेवल कर रहे तो सच ए मोशन इज कॉल्ड सर्क्यूलर मोशन ना किसी भी मोशन के तीन बेसिक टर्म्स क्या होते हैं तो फर्स्ट टर्म होता है डिसप्लेसमेंट सेकेंड टर्म होता है वेलॉसिटी और थर्ड टर्म होता है एक्सलरेशन बट इन लीनियर मोशन डिसप्लेसमेंट को बोला जाएगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट जिसका सिंबल होगा एस वेलोसिटी को बोला जाएगा लीनियर वेलोसिटी उसका सिंबल होगा वी एंड एक्सलरेशन को बोला जाएगा लीनियर एक्सलरेशन उसका सिंबल होगा ए एंड इन तीन टर्म्स को सर्कुलर मोशन में बोला जाएगा एंग्यूलर डिस्प्लेसमेंट एंग्यूलर वेलोसिटी एंग्यूलर एक्सलरेशन एंग्यूलर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल थीटा एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल ओमेगा ग्रीक अल्फाबेट उमेगा है ये और एंगुलर एक्सलरेशन का सिंबल होगा अल्फा तो अभी आपको आगे बहुत केयरफुल होना पड़ेगा कि जब भी आप डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज करोगे तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो लीनियर है कि एंगुलर है सिमिलरली अभी आप जब भी आगे वेलोसिटी वर्ड को यूज करोगे तो आपको एकदम क्लियरली स्पेसिफाई करना है कि आप किस वेलोसिटी की बात कर रहे हो लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहे हो कि एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हो वैसे एक्सलरेशन के भी दो टाइप होंगे लीनियर एक्सलरेशन एंड एंगुलर एक्सलरेशन अल्फा बट ये जो तीन टर्म्स होंगे ये किस मोशन में होंगे सर्क्यूलर मोशन में डिफाइन करेंगे तो एक एक करके हमको इन मोशन इन टर्म्स को स्टडी करना है और फिर हम लोग इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है उसको भी स्टडी करेंगे तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टर्म दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका सिंबल क्या है थीटा ओके नाउ यहां पे मैंने एक बॉडी को सर्कुलर मोशन करते हुए दिखाया है तो लेटेस्ट कंसेबन बॉडी परफॉर्मिंग सर्क्यूलर मोशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वैसे सर्क्यूलर मोशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकता है तो मैंने जो एग्जाम्पल लिया है उसमें बॉडी एंटी एंटीक्लॉकवाइज सर्क्यूलर मोशन कर रहा है लेट ओ बी देंटर ऑफ द सर्कल एंड लेट आर बी द रेडियस ये होंगे बॉडी के इंस्टेंटेनियस पोजिशन पोजिशन ए पोजिशन बी पोजिशन सी एंड पोजिशन डी इन पोजिशन को मैंने मार्क किया है बाय द रेडियस वेक्टर ओ एज द रेडियस वेक्टर ऑफ अ बॉडी एट पॉइंट ए फिर पॉइंट बी पे अगर बॉडी आएगा तो उसका रेडियस वेक्टर कौन सा होगा वेक्टर ओ बी फिर वेक्टर ओ सी इज द रेडियस वैक्टर एट पॉइंट सी एंड पॉइंट डी पे उसका रेडियस वेक्टर होगा ओडी ना वॉट इज एंगुलर डिसमेंट सपोज बॉडी ए से बी ट्रेवल कर रहे एक सर्टन टाइम के बाद तो जब भी बॉडी ए से बी ट्रेवल करेगा उसका जो रेडियस वेक्टर है वो भी उसके साथ ट्रेवल करेगा और वो एक एंगल कवर करेगा तो रेडियस वेक्टर जो एंगल कवर करेगा इन अ सर्टन टाइम दैट एंगल इज कॉल्ड एस इज कॉल्ड एस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक एंगल होता है जो रेडियस वेक्टर कवर करता है इन अ सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम तो डायग्राम में एंगल ए बी इस एंगल को बोला जाएगा एंग्यूलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम ए से बी नाउ सपोज बॉडी अगेन मूव फ्रॉम बी टू सी अभी बॉडी बी से सी ट्रेवल कर रहा है तो जब भी बॉडी बी से सी ट्रेवल करेगा उसका जो रेडियस वेक्टर है वो भी उसके साथ ट्रेवल करेगा और वो भी एक एंगल कवर करेगा तो ये जो रेडियस वेक्टर एंगल कवर कर रहा है उस एंगल को बोला जाएगा उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो एंगल बी ओ सी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम बी टू सी सिमिलरली सी डी एंगल सी ओ डी होगा पार्टिकल का एंग्यूलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सी से डी एंड एंगल डी ओ ए होगा पार्टिकल का एंग्यूलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पोजिशन डी टू ए सो डेफिनेशन ऑफ एंग्यूलर डिस्प्लेसमेंट इट इज द एंगल ट्रेस और एंगल कवर्ड बाय द रेडियस वेक्टर इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम सेंटर ऑफ अ सर्कल तो पार्टिकल का जो रेडियस वेक्टर है वो जो एंगल कवर कर रहा है इन अ इनटन इंटरवल ऑफ टाइम उस एंगल को बोला जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल तो इन दिस डायग्राम एंगल ए ओ बी एंगल बी ओ सी एंड एंगल सी ओ डी आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एंगुलर डिसप्लेसमेंट ट इज एस आई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सिंस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है और एंगल का एस आई यूनिट क्या होता है तो रेडियन होता है तो रेडियन इज द एस आई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो एंगल का यूनिट है और इसको फिजिक्स में लिखा जाएगा आर ए डी मैथमेटिक्स में हम लोग रेडियन को लिखे जाते हैं रेस टू सी की तरह बट इन फिजिक्स वी एक्सप्रेस रेडियन एस आर ए डी डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन होगा तो 180 डिग्री ऑफ एंगल इज इक्वल टू पाई रेडियन यहां पे पाई का वैल्यू होगा 3.14 तो अगर 180 डिग्री पाई रेडियन होता है तो 90 डिग्री कितना होगा पाई बाई 2 रेडियन तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को स्ट्रिक्टली रेडियन में एक्सप्रेस करेंगे इन एसआई यूनिट डायमेंशंस ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज m0 l0 t0 का मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक डायमेंशनलेस वैल्यू होगा बिकॉज एज वी नो एंगल इज डायमेंशन लेस तो एम जीरो एल जीरो का मतलब इससे ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिक्यूलर टू द प्लेन ऑफ मोशन एंड इट इज गिवन बाय राइट हैंड रूल तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर मोशन के प्लेन को परपेंडिकुलर होता है और उसका डायरेक्शन हमको राइट हैंड रूल से पता करना है तो इस डायग्राम में मैंने कुछ सर्कुलर मोशन को ड्रॉ किए नाउ इन दो डायग्राम में सर्कुलर मोशन हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है और इस डायग्राम में सर्कुलर मोशन हो रहा है वर्टिकल प्लेन में तो यहां पे प्लेन ऑफ मोशन हॉरिजॉन्टल है और यहां पे प्लेन ऑफ मोशन वर्टिकल है तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मोशन के प्लेन को परपेंडिकुलर होगा तो अगर मोशन हॉरिजॉन्टल होगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऐसे वर्टिकल होगा एंड अगर मोशन वर्टिकल होगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऐसे हॉरिजॉन्टल होगा तो सेकंड पॉइंट क्या है इट इज गिवन बाय राइट हैंड रूल कॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल सर्क्यूलर मोशन के एक्सिस को ऐसे राइट right हैंड में होल्ड करना है और फिंगर्स को कर्ल करना है इफ कर्ल फिंगर्स डिनो डायरेक्शन ऑफ मोशन देन दम स्ट्रेट रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा राइट हैंड रूल तो राइट हैंड रूल में कर्ल फिंगर्स सर्क्यूलर मोशन के डायरेक्शन को इंडिकेट करेंगे और थर्म जो होगा ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा इन द फर्स्ट फिगर मोशन इज टेकिंग प्लेस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो अगर यहां मैंने राइट हैंड रूल अप्लाई किया तो डायरेक्शन होगा अपर बिकॉजिंग अपवर्ड सेलॉकवाइज हो रहा है तो इफ आई अप्लाई राइट हैंड रूल इन द सेकंड फिगर तो थर्म इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड इसका मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड इन दर्ड केस मैंने सर्क्यूल मोशन को दिखाया वर्टिकल प्लेन में और ये मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है ये मोशन हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो यहां अगर मैंने राइट हैंड रूल अप्लाई किया तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल माय फिंगर्स आर इन द क्लॉक डायरेक्शन एंड थंब कैसे पॉइंट कर रहा है इन डायरेक्शन इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा इन डायरेक्शन तो जब भी वेक्टर इनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा तो उस वेक्टर को हम लोग क्रॉस सिंबल से बताएंगे एंड अगर वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा तो उसको डॉट सिंबल से बताएंगे तो क्रॉस का मतलब इनवर्ड एंड डॉट का मतलब आउटवर्ड एज वी कैन सी इन दिसग्राम अगर यहां हमने राइट हैंड अप्लाई किया तो मोशन कैसे हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो फिंगर्स को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज कल करो तो थर्म कहां पॉइंट कर रहा है अपवर्ड पॉइंट कर रहा है तो इसका मतलब यहां पे जो एंग डिस्प्लेसमेंट होगा ये कैसे होगा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा दैट्स वेड इज शोन बाय डॉट ना एक पॉइंट को आप बराबर समझ लो बिकॉज ये हमको न्यूमेरिकल में यूज करना है अगर पार्टिकल एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा एक रिवॉल्यूशन तो एक रिवॉल्यूशन में एंगल कितना कवर होगा 360 डिग्री कवर होगा एंड दैट इज इक्वल टू टू पाई रेडियन तो इन वन रिवॉल्यूशन एंगल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज टू पाई रेडियन तो फिर दो रिवॉल्यूशन में कितना होगा सेवन ट्वेंटी डिग्री दट इज फोर पाई रेडियन तो थ्री रिवोल्यूशन में कितना होगा सिक्स पाई रेड तो फिर एन रिवोल्यूशन में एंगुलर डिस्प्लेसन कितना होगा टू पाए रेडियन बच्चों इस फॉर्मुला को ठीक से याद रखो इन एन रिवोल्यूशन एंगुलर डिस्प्लेसन इज टू पाई एन रेडियन वेर एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन